सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12th फिजिक्स वाइवा में पूछे जाने वाले टॉप 25 यानी कि टॉप ऐसे प्रश्न, टॉप 25 इस तरह के प्रश्न कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकता। ये एग्जामिनर खुद बताए इन क्वेश्चन को जो मैं आपको इसमें बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यार आपका जो वाइवा है वो काफ़ी अच्छा जाए और आपको 30 मार्क्स मिले, इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देख लेना है आपको, ठीक है। मैं पूरे दावे के साथ यार 101% मेरा दावा कि इससे बाहर कोई भी एग्जामिनर, चाहे जितना भी बड़ा एग्जामिनर हो, इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं पूछ सकता है, ठीक है, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहला वो क्वेश्चन ये कर सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। तो आप ये परिभाषा दे सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पूछ सकता है कि आप इसका जो फार्मूला होता है यानी सूत्र होता है उसको बताइए, ठीक है। तो ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है, इसको आपको बता देना है, यहाँ तक पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठाएगा वो है बल की बीमा, ठीक है, बल की बीमा पूछेगा। तो ये आप सोचोगे कि इतना छोटा क्वेश्चन क्यों पूछेगा, वो आपको टेस्ट करेगा। वो क्या टेस्ट करेगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप क्या करते हो कि पेन उठाते हो, ठीक है, बल की बीमा एग्जामिनर पूछ दिया, आप जाते हो एम एल टी पे -2 लिख कर चले आते हो, ये एग्जामिनर को दे देते हो। एग्जामिनर यहीं से आपका पॉइंट जो होता है वो माइनस कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि बीमा यार जब भी लिखा जाता है वो बड़े क्वेश्चन में लिखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान देना है कि बीमा हर समय बड़े क्वेश्चन में ही लिखना है, अदरवाइज वैसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि बल का मात्रक, ठीक है, वो आपसे एसआई मात्रक पूछ सकता है, सीजीएस पूछ सकता है, एमकेएस पूछ सकता है, ठीक है, अक्सर सीजीएस ही पूछता है। तो देखो एसआई जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और इसके बाद सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है, और इसके बाद एमकेएस जो मात्रक होता है किग्रामीटर सेकेंड पे -2, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपकी आपकी बुक से ये पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ देगा कि एम्पियर का नियम क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल 101% एकदम गारंटेड प्रश्न है। यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित दो सीधे लंबे व समानांतर तारों में जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, तो उसे एम्पियर का नियम कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो देखो ये पूछेगा कि फैराडे का प्रथम व द्वितीय नियम इनमें से दोनों में से किसी एक को पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रथम नियम, आप ये प्रथम और द्वितीय नियम का मैंने वीडियो बनाया है, काफ़ी डिटेल्स में बनाया, उसको आप देख सकते हो चित्र के सहायता से। अब प्रथम नियम बताओगे तो पूछ देगा कि प्रथम नियम को और किस नियम नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको न्यूमैन का नियम कहते हैं, और द्वितीय नियम को जो होता है फैराडे का उसको लेंज का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कूलाम का नियम, ये आपसे पूछ सकता है कि कूलाम का नियम क्या है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन का नियम व स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का भी नियम आपसे पूछ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार गाइस ये पूछ सकता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन वो पूछता है। अब आप सोचो कि यार दर्पण उत्तर और तो दो ही प्रकार का होता है तो ये क्यों पूछेगा, नहीं ये आपकी गलत फहमी है, दर्पण 5 प्रकार का होता है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये समतोत्तल और उत्तोत्तल इस तरह के 5 प्रकार के दर्पण होते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछेगा आपसे कि लॉरेंज बल क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद पूछ देगा कि लेंज का नियम क्या है, ठीक है। देखो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट सकती हैं। इसके बाद पूछ देगा किरचाव का दोनों नियम, ठीक है, जो प्रथम नियम और दोनों नियम द्वितीय नियम है, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही साथ वो पूछ देगा चूक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, चूक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये पूछ देगा आपको, ये वाटहीन धारा के सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बता देना। इसके बाद आपसे वो पूछ देगा कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम बताओ, ठीक है। तो समांतर क्रम आप जानते हैं कि 1/R = 1/R1+1/R2+1/R3, श्रेणी क्रम पूछ देगा तो R = R1+R2+R3, ठीक है। अगर ये प्रतिरोध वाला पूछता है तो वो आपका जो कैपेसिटर वाला होता है, संधारित्र वाला है, वो संधारित्र का भी पूछ देता है। आपको संधारित्र का समांतर और श्रेणी क्रम भी पूछ देगा, तो श्रेणी क्रम आप जानते हैं 1/C = 1/C1+1/C2+1/C3, समांतर क्रम जानते हैं C = C1+C2+C3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वो पूछ देगा आपको चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, ठीक है, और एक तो बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है इसलिए ये चुंबकीय आघूर्ण को पूछ देता है। तो चुंबकीय आघूर्ण M = I * A होता है, ठीक है, M = I * A,
आई का मतलब एम्पियर और ए का मतलब एरिया है, तो मीटर का स्क्वायर इसका मात्रक होगा, और बल युग्म का अघरूट टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना। इसके साथ आपको पूछ देगा कि ओम का नियम क्या है, इसको ओम के नियम को आप बताओ, ठीक है, इसका सूत्र भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यार पूछ देता है एक चीज़ की फिजिक्स की स्पेलिंग लिखो, तो आप जिस भी यही फिजिक्स ही नहीं, अगर आप एकाक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखते बताते हो तो टीचर सीधे कह देता है कि आप फिजिक्स की स्पेलिंग लिख दो, मैं पूरा नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको जिस सब्जेक्ट का उसका तैयार करके जाना है स्पेलिंग अच्छे से। इसके बाद पूछ देगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये कभी कभी टीचर पूछ देते हैं। इसके बाद पूछ देगा न्यूटन की गति विषयक जो नियम, जो तीनों नियम है उसको आपको तैयार एक बार पढ़ लेना है कुछ उससे रिलेटेड। इसके बाद पूछ सकता है आपका विभव का मात्रक क्या होता है, ठीक है। इसके बाद तो आप जानते हैं विभव का मात्रक वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू क्या है वर्क, वर्क का मात्रक जो होता है जूल होता है, और क्यू क्या है आवेश है, ठीक है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, यहाँ से आपको तैयार कर लेना। इसके साथ या नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं वो पूछ देगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जामिनर पूछता है कि जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, इसकी जो जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, इसकी वैल्यू जी बराबर होती है आपका 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, और ये न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर इंटू किग्रा का स्क्वायर, सॉरी बाई किग्रा का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर बाई किग्रा का स्क्वायर, ठीक। ये अब इसके बाद यार एक चीज़ और पूछ देता है, जी जी में क्या अंतर होता है, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर होता है। जी जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और ये कैपिटल जी होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि कैपिटल जी का मान आपने बता दिया, और स्मॉल जी का मान क्या होता है, ठीक है, स्मॉल जी का जो मान होता है वो था 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन रख सकता है एग्जामिनर कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आप मान जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही साथ ये पूछ देता है कि एप्साइलन नाट का मात्रक वो म्यू नाट का मात्रक आपको बताइए, ठीक है, और ये भी पूछ सकता है आप बताएंगे मात्रक तो कि एप्साइलन नाट किसको रिप्रेजेंट यानी शो करता है और म्यू नाट किसको शो करता है, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है और ये निर्वात की चुंबकशीलता, और इसके मात्रक की बात करें तो जो एप्साइलन नाट होता है, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, तो देखो यहाँ पे एप्साइलन नाट बराबर होता है 1/4 पाई ये Q1 Q2 अपान एफ आर का स्क्वायर, ठीक है, ये कूलम का नियम ही है कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देखो Q का स्क्वायर है तो मतलब कि ये क्या, ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम का स्क्वायर, ठीक है, दो ठो तो स्क्वायर बट्टे में, ठीक है, इसके बट्टे में ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन इंटू ये क्या है, ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है तो ये। अब म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है या अपने से पढ़ लेना है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।